भारतीय सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये बात दोहराई है। हाँ, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए दरवाजे खुले हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार उन्हें अपने साथ जोड़ने की कवायद जारी है, क्योंकि यहाँ सवाल जो अति पिछड़ी जाती हैं उनका है, सवाल वोट बैंक का है। और ओम प्रकाश राजभर बहुत ही दिनों से नाराज चल रहे हैं और लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार पर लगातार वो बयानबाजी भी करते रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने ये बात दोहराई, हालांकि वो अभी अमित शाह से मिले, स्वतंत्र देव सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई है आज, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए दरवाजे खुले हैं। तो अभी भी नहीं माने हैं ओम प्रकाश राजभर। हालांकि मान मनोवर की कोशिशें बीजेपी की ओर से लगातार जारी रही हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर दो टूक कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो इस बार गठबंधन नहीं करने वाले, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ कर सकते हैं। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर इसके मायने क्या है, सीधे जानते हैं ओम प्रकाश राजभर से। ओम प्रकाश जी, क्या माना जाए कि कुछ आपका दिल पिघल गया है भाजपा को लेकर, क्योंकि आप तो खूब कोस कोस कर बोलते थे बीजेपी के खिलाफ, आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर पर आप क्यों गए? और कठोर हुआ है, पिघला नहीं और कठोर हुआ है। स्वतंत्र देव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सत्ता पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कुछ समस्याएं क्षेत्र की जनता की थी, उसको लेकर के हम लोग उनके पास गए थे। अब उसका राजनीतिक तर्क वितर्क लोग करें, अलग बात है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, हम अपने रास्ते पर हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में हम सरकार बना के दिखाएंगे आपको। बीजेपी के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन होगा? नहीं होगा महाराज, भरम में लोग हैं। भाजपा के वोट दे था, अच्छा ही बताओ, पत्रकार नाराज है, व्यापारी नाराज है, युवा रोजगार परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हम खुदा परेशान हैं। कौन उठवा दे रहा है इनको? एक इन निकाले न जन आशीर्वाद यात्रा, ये निकलें, जरा सिक्योरिटी लेके निकलेंगे। अभी एक विधायक जी हापुड़ में गए थे खबर लेने, तो जनता ने उनको पानी नादी, अरे का नाम, समुद्र में हिला दिया कि तेरे विकास का देखो, यही इसी में तैर लो, तैरा दिया। जनता यहाँ लठिया रहे हैं ना लखनऊ में, पिछड़ों को 52% आबादी पिछड़ों की है, यहाँ लठिया रहे हो ना। तो लखनऊआ में वो लाठी में तेल लगा के नौजवान की आवा, तो वहाँ पुलिस से पिटवाई बात, यहाँ हम लोग तैयारी में है, आवत जा। ओम प्रकाश राजभर जी, लेकिन दया शंकर सिंह का यह कहना है कि रास्ते खुले हुए हैं, आज बातचीत शुरू हुई है, हम चाहते हैं कि 22 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में आए। आपके परम मित्र हैं दया शंकर सिंह, ऐसा हमने सुना है, और अगर वो ये बयान दे रहे हैं तो कुछ तो बातचीत हुई होगी। हमारे मित्र हैं, सब कुछ है, पार्टी उनकी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। हम साफ साफ कहते हैं संबंध हमारा बरकरार रहता है, हम राजनीति अपने हिसाब से करते हैं, हम किसी के दबाव में, किसी के, हमारा मित्र, हम अपनी पत्नी अपने बच्चों के भी पॉलिटिक्स के मामले में फैसला हम लेते हैं, उनकी बात नहीं मानते। अभी भी ओम प्रकाश राजभर ये कहते हुए कि पिघले नहीं हैं और कठोर हुए हैं, हालांकि स्वतंत्र देव सिंह से उन्होंने मुलाकात जरूर की आज। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।